तो बात कर लीजिए भाई, ये है मेरा Realme X50 Pro। इसमें मुझे लगभग 1 वीक पहले Realme UI 3.0 के साथ में Android 12 का अपडेट देखने को मिल गया था। हालांकि अगर आपको नहीं मिला है तो सबको क्यों नहीं मिलता, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि आपको अपडेट नहीं मिला तो ऐसा क्या रीज़न है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। बात कर जब मुझे 1 वीक यूज़ करते हुए से हो गया है, इस वीक में मुझे 2 टोटल अपडेट देखने को मिल गया था। फर्स्ट जो मेन अपडेट था लगभग 5.25 GB का अपडेट देखने को था, और सेकंड मुझे आज ही वो अपडेट रिसीव हुआ लगभग 200 कुछ MB का है। टोटल मुझे 2 अपडेट रिसीव हो चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में Realme UI 3.0 Android 12 के सारे फीचर्स के बारे में बात करने वाले। क्या भाई कोई बग आया है, क्या बैटरी ड्रेन ज्यादा हो रही है, क्या फोन लैग हो रहा है, सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। गाना बजाओ। ले चलता हूँ मैं आपको सेटिंग में। यहाँ पे सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पे अबाउट फोन के सेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे आपको Realme UI 3.0 बीटा अपडेट, और यहाँ पे जैसे कि देखने को मिल रहा है 15 तारीख को मुझे सेकंड अपडेट देखने को मिला था। हाँ, मुझे अभी तक टोटल 2 अपडेट देखने को मिल चुका है, एक लगभग 5.25 GB का और एक लगभग 200 कुछ MB का अपडेट देखने को मिला था। डिवाइस जैसे कि आप देख रहे हो Realme X50 Pro 5G। और बात कीजिए भाई, मुझे इसमें रैम एक्सपेंडेबल का भी ऑप्शन देखने को मिल गया है अप टू 5 GB तक, यानी 8 GB रैम इसमें ऑलरेडी दिया गया है और 5 GB तक मैं इससे और बढ़ा सकता हूँ। हालांकि रैम एक्सपेंडेशन होता क्या है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है आई बटन पे, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। बात कैसे कि हम चलते हैं, यहाँ पे मॉडल नंबर Realme UI 3.0 देखने को मिल जाता है, एंड्रॉइड वर्जन यहाँ पे जैसे देख रहे हो 12 देखने को मिल जाता है। तो हम फटाफट फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें घड़ी 12 बजा देते हैं। देख रहे हो, जैसे कि देख रहे हो 12 बज चुका है, तो कुछ हमें इस तरह का देखने को मिल जाता है। हम चलते हैं फीचर के तौर पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट फीचर में दिखाऊं, हालांकि पता नहीं Realme UI 2.0 में ये था कि नहीं था, और लेकिन मुझे Realme UI 3.0 में ही मुझे पता चला। अगर होगा तो कोई बात नहीं, और अगर नया फीचर है तो और भी अच्छी बात है। जैसे कि देख रहे हो आईफोन में आपको कैसे 1 हैंडेड मोड देखने को मिल जाता है, आप सिंपली यहाँ से कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और यहाँ से आप खींच के इसे ऊपर भी कर सकते हो। ये लगभग हर जगह वर्क करता है। जैसे कि हम यहाँ पे चल देते हैं ट्विटर पे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कि मैं इसे स्लाइड नीचे की तरफ ऐसा करूँगा, यहाँ पे नीचे दबा के रखना है, बस ये 1 हैंडेड मोड यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर अब ले चलते हैं आपको फीचर्स के बारे में। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे होम स्क्रीन पे दिखाऊं, तो वॉलपेपर आप देख रहे होंगे और वॉलपेपर आपको पसंद भी आ रहा होगा, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा और यूनिक और बहुत कमाल का फीचर देखने को मिला। हाँ, एंड्रॉइड 12 के साथ में मटेरियल यू वाला फीचर तो मिला ही है, हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यहाँ पे आइकन। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं आगे से कि आप देख रहे हो फोन वाला सेफ, फिर यहाँ पे मैसेज वाला, यानी जैसे कि आप आइकन पैक देखोगे तो आपको थोड़ा 3D लुक देखने को मिलेगा। तो ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा है, और मैं इससे बहुत, मतलब पहले क्या होता था कि मैं अगर जैसे राउंडेड शेप में भी आता है, जैसे कि हम यहाँ पे टैप करके रखेंगे तो यहाँ पे वॉलपेपर, आइकन्स, लेआउट, ट्रांजिशंस और मोर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वॉलपेपर पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम वॉलपेपर के सेक्शंस में जाते हैं तो कुछ इस तरह का पूरा चेंजेस हो चुका है, रिसेंट जो मैंने यूज किया एल्बम्स, और यहाँ पे देखने को मिल जाता है इनोवेटिव वॉलपेपर, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये कंपनी वाला है और एक लाइव वॉलपेपर है। तो हम यहाँ पे इनोवेटिव वाला मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाता हूँ। यहाँ पे हम इनोवेटिव में जाते हैं तो हमें कुछ तरह इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि देख रहे हो, यहाँ पे अगर हम चाहे तो फोटो क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे चाहते थे तो हम गैलरी में से चूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल गैलरी में से चूज कर लेता हूँ। सिंपली हम चलते हैं यहाँ पे फोटोज़ में, फोटोज़ के सेक्शन में जाने के बाद में, ठीक है, जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे मेरा एक फोटो इस तरह का देखने को मिल जाता है, ये ऑटोमेटिक यहाँ से कलर पिकिंग कर लेगा। जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे, मैं यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक कलर पिक करके मुझे वॉलपेपर बना के देख देगा। जैसे कि आप देख रहे हो इस तरह करके इसने वॉलपेपर बना के क्रिएट करके मुझे दे दिया, और फिर ये जो वॉलपेपर वाला लुक ने पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे कि आप देख रहे हो सिंपली यहाँ पे वॉलपेपर चेंज हो चुका है। अप्लाई में जाते हैं और इसके बाद फिर यहाँ पे हम कर देते हैं होम स्क्रीन पर टैप। जैसे हम होम स्क्रीन टैप करेंगे तो हमारे जो वॉलपेपर है ये चेंज हो जाएगा। तो ये पर्सनली फीचर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और बात की जाए तो जो हमें वन प्लस के फ़ोन्स में गेम बूस्टर देखने को मिल जाता था, वो इसमें भी अब हमें देखने को मिल जाता है। हम चलते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग में। उससे पहले दिखा दूँ कि आप इसे देख रहे हो, डायलर का जो सेक्शन है यहाँ पे, ये भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। कॉन्टेक्स्ट भी चेंज हो चुका है। मैसेज की बात की तो यहाँ पे मैसेज वाला ये भी चेंज हो चुका है। यहाँ पे इसी बात से कैलकुलेटर में भी थोड़ा चेंजेस देखने को मिल गया है। बात कीजिए यहाँ पे जो सिस्टम वाले ऐप्स थे, इसमें हल्का हल्का चेंजेस देखने को मिला है। बात कीजिए तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन पैनल है वो भी पूरी तरह से चेंज हो गया। जैसे कि अगर हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे करते हैं तो पूरा व्हाइटनेस हो जाएगा। पहले कैसा होता था कि हमें ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे व्हाइट वाला लुक आ चुका है। जैसे हम यहाँ से ऐसे खींचते हैं तो यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े आइकन्स हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो टाइम और डेट, मैं ले चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग में। सेटिंग में लेने के जाने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पर्सनलाइजेशन में यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट वाला वॉलपेपर मैंने आपको दिखाई दिया। सेकंड बात कीजिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो यहाँ पे एक वन प्लस वाला और फीचर देखने को मिल जाता है, वो है ये रहा। जैसे कि फोटो वाला कैसे
यहाँ पे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे और जैसे मैं यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करता हूँ तो जो भी आप फोटो सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे वो जैसे कि यहाँ पे तो थोड़ा कम दिख रहा है लेकिन यहाँ पे वो हो जाएगा, ठीक है, मतलब लकीर जैसी बन जाएगी। हालांकि थोड़ा कैमरा कम कैप्चर कर पा रहा है लेकिन जो वन प्लस का फीचर था वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ा ट्राई करते हैं तो यहाँ पे शो तो नहीं हो पा रहा लेकिन मैं आपको साइड में फ़ोटो लगा के दिखा दूंगा और बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जैसे देख रहे हो नए यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसे कि देख रहे हो पोर्ट्रेट शूट आउट, तो इस तरह करके आपको यहाँ पे फोटो सिलेक्ट करना है और उस तरफ से ये कटआउट बनाते हैं जैसे कि देख रहे हो। ऐसे ऐसे आपको जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक वन प्लस का फीचर था, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है आइकन्स, फिर क्विक सेटिंग जो ऊपर से आइकन्स होते हैं इससे भी आप चेंज कर सकते हो। और बात कीजिए तो यहाँ पे कलर पिकिंग जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो तो यहाँ पे आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी कलर पिक कर सकते हो और तो फिर वॉलपेपर के हिसाब से ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। कैसे पिक जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे कस्टम से आप कर सकते हो, मैं तो यहाँ पे वॉलपेपर आपको चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे वॉलपेपर चेंज हुआ हाँ, और हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वॉलपेपर वॉलपेपर में जाने के बाद फिर यहाँ पे ब्लू वाला वॉलपेपर में सिलेक्ट कर लेता हूँ। अप्लाई होम एंड लॉक, लॉक होम एंड लॉक सेकंड दोनों पे हम बोथ पे कर देते हैं। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे जाते हैं बैक, यहाँ पे जैसे देख रहे हो ब्लू वाला आ चुका है, सारे जो यूआई है यूआई में पूरी तरह से ब्लू वाला लुक आ जाएगा। जैसे कि देख रहे हो ब्लूनेस पीछे देखने को मिल जाता है, तो ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ भाई मैंने जब से एंड्रॉइड 12 यूज़ करना स्टार्ट किया बीटा वर्जन ही है, कोई इसमें फालतू के मुझे लैग्स देखने को नहीं मिले, कोई फालतू के मतलब जैसे क्या होता है कोई बग आ जाता है तो जिसमें मुझे अभी तक कोई भी बग देखने को नहीं मिला है। जैसे कि आप देख रहे हो इस तरह के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, फिर यहाँ पे सारे वही फीचर्स थे, जो कोई नया फीचर मेरे हिसाब से तो ऐड नहीं हुआ है। लेकिन जो स्मूथनेस है मैं रियलमी एक्स 50 प्रो यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे रियलमी यू आई 2.0 में थोड़ा कम देखने को मिलता था, लेकिन जब से मैंने रियलमी यू आई 3.0 का अपडेट किया है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यू आई पूरी तरह से मिनिमलिस्टिक हो चुका है। और बात जैसे कि जो वाइब्रेशन वाला होता है जो हैप्टिक फीडबैक होता है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। जैसे कि देख रहा हूँ यहाँ पे जो खींचे जैसे कि आप खींच रहे हो ना तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगे। जैसे कि हम चलते हैं यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ ट्विटर में, ठीक है, ट्विटर में ले जाने के बाद में फिर यहाँ पे अगर हम खींचते हैं ना इसे तो जो ऐसे खिंचाने खिंचाऊपन होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हर जगह यूआई में खिंचाऊपन आ चुका है, हैप्टिक फीडबैक बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। अगर आप कुछ भी ऐसे यहाँ पे टाइप कर दो, ठीक है, यहाँ पे जैसे कुछ भी टाइप करोगे आप तो बहुत अच्छा लगेगा और हैप्टिक फीडबैक बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। हालांकि बात कीजिए BGMI में अभी 90 FPS का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, कैमरे में जैसा पहला था वैसे ही हर थोड़ा कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। हालांकि बात कीजिए भाई UI में आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, नाइट मोड, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, मतलब UI में थोड़ा चेंजेस कर दिया गया है और फोटो की क्वालिटी भी ठीक ही है। मुझे कोई ज़्यादा ख़राब नहीं लगा और बहुत ज़्यादा बढ़िया भी नहीं लगा, पहले जैसा ही है, मुझे कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला। हालांकि बात की बीटा स्टेज में होते हुए भी रियलमी एक्स 50 को एकदम बढ़िया तरीके से यूज़ कर रहा हूँ मैं, मुझे कोई भी बग और भाई बैटरी ड्रेन इशू भी नहीं हुआ, जैसे पहले चार्ज होता था वैसे चार्ज हो रहा है, बैटरी जल्दी डिक्रीज भी नहीं हो रहा है। ये बात की ओवरऑल मुझे ये जो फ़ोन का अपडेट रियलमी यू 3.0 का बहुत बढ़िया लगा है। हालांकि बात की रियलमी GT मास्टर एडिशन में ऑलरेडी रियलमी यू 3.0 का स्टेबल वर्जन आ चुका है, अगर आप GT मास्टर यूज़र हो तो आप उसे स्टेबल वर्जन में अपडेट कर। और अगर X50 Pro यूजर हो तो आपको कैसे ट्रायल वर्जन के लिए अप्लाई करना है, ट्रायल वर्जन सबको क्यों नहीं मिलता है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आई बटन जाकर वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं ऐसे एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।